जहाँ तक इन लोगों ने बताया कि रेगुलराइजेशन को लेके सर अभी तक आप लोगों की कितनी मीटिंग हुई है सीनियर ऑफिसर्स के साथ और क्या वहाँ से क्या फीडबैक मिला? बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है तमाम डेली वीचर्स के लिए, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे डेली वीचर्स से, आप सभी की रेगुलराइजेशन को लेकर, आप सभी की पेंडिंग वेजेस को, खास करके आप सभी की पेंडिंग वेजेस को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर जो है कुछ डेली वीचर्स भाइयों का इंटरव्यू सामने निकल कर आया है, जिसमें जो है उन्होंने यहाँ पर पेंडिंग वेजेस को लेकर जो है यहाँ पर बात की है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिकॉर्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है तो आपको जो इस यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा कोई भी अपडेट आप तक नहीं पहुँचता है, इसलिए जो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकी रेगुलराइजेशन को लेकर प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली है, ये डेली बेस पे उनके साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की रेगुलराइजेशन को लेकर कोई भी हेल्प नहीं है प्रशासन की तरफ से। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्यों आप लोग आज यहाँ तपती धूप में सड़कों पर क्यों उतर आया जाए? मैडम आज भी हमें कम से कम भी एक साल 400 तो 5 दिन हो गए हैं कंटिन्यू हड़ताल, जो 22 जून से हम शुरू कर रहे हैं 2022 से लगातार कंटिन्यू हड़ताल चल रही है, और जिससे भी हमारी बात हुई चीफ इंजीनियर से लेकर कुछ अधिकारी से जिससे भी हुई, सिवा आश्वासन से हमें कुछ नहीं दिया। कहते हैं कर रहे हैं, कमेटियाँ बना रहे हैं, अगले महीने होगा 28 तारीख तक आपका काम हो जाएगा, अभी तक हमें एक साल और पाँच छः दिन हो गए, सिवा कुछ नहीं, ऐसा हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। तो हमने 25-25, 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को बंधुआ मजदूर दे दी है, और मात्र हमें क्या मिलता है 9000 रुपया। 9000 से हम बच्चों को रोटी दे सकते हैं, एजुकेशन नहीं दे सकते। बीजेपी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हम इस बच्चों को एजुकेशन इस 9000 से दे सकते हैं? तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द रेगुलर पॉलिसी दी जाए। हर 30-31 को हमारा साथी कोई ना कोई रिटायर जाता है, डिपार्टमेंट खाली आधार कार्ड देता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है, ना ही जाते वक्त उसको कोई बकाया वेतन जो पत्र पत्र महीने का, जैसे मनिंद्र सिंह ताज ने बताया कि किसी का 72 महीने का है, किसी का 80 महीने का है, तो ना ही उसको उसको बेचारे को 72 महीने का बकाया वेतन दिया जाता है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जाते वक्त उसको 10-15 लाख रुपये दिया जाता है। तो जो पक्के मुलाजिम हैं आज वो 15-20% रह गए हैं, जितने भी स्टेशन है जब PHE डिपार्टमेंट है खाली डेली फी भी चला रहा है, और उनको 30,000 से लेकर 60,000 रुपये दिया जाता है, और जो जाते वक्त उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है, डेली वेज खाली आ जाता है और बेचारा रोते हुए जाता है, डिपार्टमेंट ना कुछ उसको देता है ना गवर्नमेंट ने ऐसा कोई पॉलिसी बनाई है, और बंधुआ मजदूरी हमसे करवाई जा रही है, इसलिए हमने ये एजुकेशन शुरू की है। जय हिंद जय भारत। करो बकाया वेतन अभी दो, बकाया वेतन अभी दो, मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जरूरत नहीं है तो हमें हमारा जो जितना बकाया दिया जाए हमें, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। देखिए जिस तरह से अभी सर ने बताया कि ये लोग यहाँ पे सड़कों पे दिन दिहाड़े धूप में खड़े होकर LG सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं कि या तो इन्हें इन लोगों को रेगुलर कर दिया जाए, और अगर इन लोगों की जरूरत नहीं है इस डिपार्टमेंट में तो इन्हें ये भी बता दिया जाए, क्योंकि देखिए एक छोटे अमाउंट से एक इंसान अपना ताउम्र तो घर चला नहीं सकता। और जहाँ तक इन लोगों ने बताया कि रेगुलराइजेशन को लेकर सर अभी तक आप लोगों की कितनी मीटिंग हुई है सीनियर ऑफिसर्स के साथ और क्या वहाँ से क्या फीडबैक मिला? देखिए मैंने जो आश्वासन नहीं दिया जाते हैं, इतनी दी दूर से हमारे लड़के भाई हमारे साथी आते हैं, 1000-1000 रुपये किराया खर्च के इधर आते हैं, कहाँ से आते हैं? मैरो, रजौरी, पूंछ, डोडा, भद्रवाह, पूरे जम्मू कश्मीर से भी आ जाते हैं, तो मैं देखते हैं हमें कितनी कितनी 10-10 हज़ार बंदा इकट्ठा हुआ होता है उस टाइम, सारे आ जाते हैं, तो सब आ जाते हैं, फिर झूठे आश्वासन देते हैं, फिर हमें पास उठाया जाता है, बस हम चले जाते हैं। हाँ जी, हम उनकी बात मानते हैं, हम अपील करते हैं ऐसी प्रशासन से कि अगर हमारी जरूरत नहीं है तो हमारा जितना भी पैसा बनता है हमें दिया जाए, और हमारा ऑर्डर निकाले हमें बाहर निकाल दिया जाए अगर हमारी जरूरत नहीं है, ऐसी प्रशासन से यही हमारी अपील है। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया, और उसके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा
कि पिछले 405 दिन से हम लगातार जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सड़कों पर, क्योंकि हम लोग दुखी लोग हैं। हम लोगों की सुनवाई ऊपर तक नहीं पहुंच रही है, हमें गोल गोल घुमाया जाता है। आपके मसले जायज़ हैं, लेकिन आगे ग्राउंड लेवल पर क्या है, कुछ नहीं। हर एक पार्टी आती है, हमारे ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा गया, लेकिन मैम अगर ये अच्छा गया टाइम पीरियड, उनके 9 साल बेमिसाल दिए, तो हम लोग सड़कों पर क्यों? गरीब लोग सड़कों पर हैं, महंगाई की दर बदर ऊपर जा रही है, स्मार्ट मीटर्स, सिलेंडर के रेट जो एक टाइम पर 400 का आता था, आज वो मुझे शायद आज के बाद वो 1300 के ऊपर मिलेगा, आज भी शायद उसके रेट बढ़ रहे हैं। मैम आप खुद बताएं कि 9000 आप वेतन देते हैं और लेने के नाम पर आप उसका 9000 भी छीन लेंगे, आप भी खाएगा क्या, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? और 1000 तरह के खर्चे होते हैं, माँ बाप की दवाइयाँ हैं, आजकल मोस्टली लोगों को दवाइयाँ लगी हुई हैं, कहाँ से खर्चा करेंगे? आप 9000 देके उसको वापस लेने के प्लानिंग भी पहले बना के बैठे हुए, तो अगर आपको कुछ करना ही नहीं है तो सिंपल सा ऑर्डर निकालिए कैबिनेट में कि ये डेली वेजेस की ज़रूरत नहीं है, हमें इन सभी को बाहर कीजिए, तो जो इनका पेंडिंग बनता है वो दीजिए। इतनी इतनी देर का जो इनका 18-20-30-50 साल का जो पेंडिंग पीएफ बनता है वो दीजिए, 1-2 में इनको एक रकम दीजिए, क्योंकि कम से कम 20-25 लाख का लेंगे दीजिए, तो हर एक बंदा यहाँ पे खुशी खुशी डिपार्टमेंट छोड़ के चला जाए। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए ना। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये आश्वासन देते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कुछ करना चाहते हैं जल्द से जल्द कोई अच्छी सी खबर डेली बेसिस के लिए दे, नहीं तो ये आंदोलन और बढ़ेगा। बाकी जय हिंद जय भारत। आवाज दो जिंदाबाद।